देश की आत्मा साबरमती आश्रम के लिए जगह की तलाश में गांधी जी एक दिन वर्धा से 5 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी पर गए। वहाँ एक झुग्गी बस्ती थी। गांधी जी को पता चला कि यह एक हरिजन बस्ती है। उन्होंने कहा, साबरमती आश्रम के लिए यह उपयुक्त जगह है। जमनालाल बजाज उनके साथ थे। उन्होंने कहा, लेकिन यहाँ बहुत गंदगी है। इस पर गांधी जी बोले, यहाँ देश की आत्मा बस्ती है, इसलिए हरिजन बस्ती के फायदे के लिए यहाँ आश्रम बनाना ठीक रहेगा। आश्रम बनाने का काम शुरू हो गया। गांधी जी वही झोपड़ी डालकर रहते थे। गांधी जी सहित सभी लोगों का भोजन एक साथ बनता था। गांधी जी भी सभी के साथ बैठकर वही खाते थे। एक बार शाम को गांधी जी टहलते हुए हरिजन बस्ती में गए। उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि ज्यादातर झोपड़ी में कद्दू उबाला जा रहा है। गांधी जी ने इस बारे में पूछा तो एक महिला बोली, यह सबसे सस्ता है, इसलिए जब भी सब्जी खानी होती है तो हम कद्दू खरीद लाते हैं। गांधी जी ने लौटकर अपने रसोइये से कहा, कल से हमारे यहाँ कद्दू की उबली सब्जी बनेगी। रसोइया जानता था कि बापू को कद्दू पसंद नहीं था। उसने कहा, बापू आप तो कद्दू की सब्जी खाते ही नहीं। इस पर गांधी जी बोले, अब खाऊंगा। रसोइया उस दिन से कद्दू की सब्जी बनाने लगा। एक बार आश्रम देखने बादशाह खान आए। वह कई दिन वहाँ ठहरे। उन्हें भी प्रतिदिन कद्दू की सब्जी परोसी गई। वह समझ नहीं पाए कि यहाँ पर रोज कद्दू की सब्जी क्यों बनती है। उन्होंने सोचा कि शायद बापू की सेहत ठीक ना हो, इसलिए उन्होंने पूछा, बापू क्या आपकी सेहत ठीक नहीं है जो हर रोज कद्दू की उबली सब्जी खाते हो। इस पर गांधी जी बोले, मेरी सेहत तो ठीक है। मेरे पड़ोस में रहने वाले हरिजन बस्ती के लोग जब सस्ती होने के कारण रोज कद्दू की सब्जी खा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं खा सकते। हमें भी तो पता चलना चाहिए कि हमारे देश के लोग कैसे रहते हैं।